अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, आज का जो व्लॉग है वो कल का ही व्लॉग से रिलेटेड है, क्योंकि मैं समझे कल तो पूरा दिन इस्लामाबाद में फिरती रही। पहले तो आप लोगों को कल का व्लॉग से पता चल गया होगा कि मेरे हस्बैंड का बहुत ज़रूरी काम था, उन्होंने चीज़ें वो अपनी मतलब ये कि वो अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेना था। उसके बाद मुझे था कि कुछ चीज़ें थी लॉकडाउन में, कुछ समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट कौन सा दिन ऑफ कर रही है, कौन से दिन ऑन रख रही है, कुछ पता नहीं चलता। पहले कभी था, लेकिन पूरे का पूरा जो है ना, आप कह सकते हैं कि सारा लॉकडाउन लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था। मीन्स सारी की सारी शॉप्स जो है ना उन पे मीन्स वो बंद थी। खैर एनीवेज, अब मजबूरी थी, हमें चीज़ें ढूंढनी थी, तो हम जो है ना वो इस्लामाबाद निकल पड़े कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा। हाँ जी, तो मैं इधर आ गई हूँ सफा गोल्ड और इधर देखती हूँ कि अगर शॉप्स खुली थी। लकीली सफ़ा गोल्ड वॉज ओपन और हम जब मैं जब इधर मैं तो खैर अब दो वजहों के लिए सफ़ा गोल्ड आई थी। पहला ये था कि मुझे था कि मैं अपनी वैक्सीनेशन करवा लूँगी, क्योंकि सफ़ा गोल्ड, अगर आप लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो अगर आप लोगों को नहीं पता, तो वहाँ पर जो है वैक्सीनेशन हो रही है। जब मैं वहाँ गई तो जी उन्होंने कहा कि जी वैक्सीनेशन जो है वीकडेज में होती है, वीकेंड पर नहीं होती, और 4 से 8 बजे तक वो लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं मॉल में। तो आई वॉज लाइक चलो अगर आज नहीं हुई तो चलो मुझे जो जो चीज़ें लेनी थी वो मैं ले लेती हूँ। मैं डायरेक्ट आई मिनीसो एंड आप लोगों को मैं बता दूं, मिनीसो में जो वैरायटी मैंने देखी सफ़ा गोल्ड में, वाकई बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैं एक्स्ट्रा भी उठा के जो है ना मैंने शॉपिंग कर ली, क्योंकि बाकी जो मैंने देखे हैं ना, जैसे सेंटोरस में, सेंटोरस तो नहीं क्या नाम है उसका, गीगा मॉल, वहाँ पर है, दो हैं आई थिंक गीगा मॉल में, लेकिन इतनी वैरायटी मैंने वहाँ नहीं देखी। यहाँ पर नई चीज़ें मुझे बहुत नज़र आईं जो कि सफ़ा गोल्ड वाले मॉल में थी। सफ़ा गोल्ड असल में मैं ज़्यादा शौक से नहीं जाती, मुझे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लगता है, आप लोग एग्री करेंगे बिल्कुल, सॉरी टू से, मुझे दड़वे की तरह मुझे लगता है। एंटर होते ही जी मॉल स्टार्ट हो जाता है, कोई उसमें कोई स्पेशियस नहीं है, लेकिन इसका मिनीसो वॉज टू गुड, क्योंकि यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर चीज़ें वाकई में बहुत ज़्यादा थी। लाइक आपको एक की जगह मीन्स काफ़ी चीज़ें मीन्स एक ही पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। खैर मैंने जो चीज़ें ख़रीदनी थी, बहुत ज़रूरी चीज़ें थी मेरी, मैंने वो ले ली। फिर मुझे जो है ना पॉप सॉकेट नज़र आ गया, जो कि मुझे था कि मैं अपने फ़ोन के लिए ले लूं, क्योंकि माय डॉटर वाज लाइक कि मम्मा पॉप सॉकेट लगा ले, क्योंकि आपका फ़ोन जो है ना वो यू नो पिछला फ़ोन मेरा इसी वजह से गिर गिर के टूटा था। वाज लाइक चले मैं जो हूँ ना, ये भाई थे लकी स्टार, इनका जो है ना वो एक छोटा सा स्टॉल था, मैं वहाँ चली गई। उसके बाद मुझे था कि चलो मैं सना सफीना चली जाती हूँ, यहाँ पर सेल लगी हुई थी, लेकिन ये सारा विंटर कलेक्शन था। हाँ जी, जो जोड़ा मेरा लास्ट कल आया था ना, वो जोड़ा वहाँ पर था ही नहीं, और उन्होंने मुझे कहा कि ये जैसे ही आता है ब्लू वाला ये ख़त्म हो जाता है, ये बचता ही नहीं। तो आई वाज सो हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जोड़ा आके, अभी मैंने उसको श्रिंक करने के लिए रखा हुआ है, लेट्स सी कि वो किस तरह होता है। खैर उसके बाद जो है वो हम वहाँ से निकले, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम फ्रूट्स ले लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पर इस्लामाबाद में बहुत अच्छे फ्रूट वाले नज़र आ रहे थे, लेकिन कैन यू बिलीव कि जो चेरी जो थी वो नॉर्मल शॉप्स में 280-250 इस तरह मिलती है, वो इस्लामाबाद में मिल रही थी 450। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा जी नहीं थैंक यू सो मच, मैं यहाँ से कोई फ्रूट नहीं लेने वाली, आप चले मंडी। तो मंडी ये है कि इस्लामाबाद, क्योंकि मेट्रो अगर आप गए हो तो उसके बिल्कुल साथ ही जो है वो मंडी है। तो बस हम मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं तो यहाँ से फ्रूट नहीं लूँगी, यहाँ पर यानी एक एक चीज़ पर आप 200-200 रुपये कमा रहे हो, तो इससे बेहतर है कि आप मंडी चले जाओ, वहाँ से आप सीरियस में उतरती नहीं हूँ, मैं गाड़ी में ही बता देती हूँ उनको, वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ डाल के दे देते हैं। तो जो चीज़ भी ख़रीदनी होती है ना मैं मंडी से लेती हूँ, मुझे मंडी का ना सोचते हुए ना क्वेटा बड़ा याद आता है। बिलीव मी, जब मैं कोयटा में होती थी ना, तो मैं हम कोयटा की मंडी बहुत करीब होती थी, तो हम लोग ना रात को निकल जाते थे 8 बजे 7 बजे, जब बंद होने वाला टाइम होता था, जब मेरे हस्बैंड जाहिर सी बातें जब आते थे तब भी मैं जाती थी। एंड कैन यू बिलीव कि वहाँ जब मैं जाती थी तो वहाँ मंडी में सामान जो है ना वो किस तरह मिलता था, जैसे 5 दर्जन केले 100 रुपीज़ के, वो एंड होता था ना तो वो बेच ख़त्म कर रहे होते थे कि बस ख़रीद लें। फिर जैसे अभी माल्टे होते थे ना,
तो मैं वो सैकड़े के हिसाब से ले रही थी। और वहाँ पर जो है ना, ये मुझे बड़ा फ़ायदा था कि वो बहुत करीब था, लाइक मेरे घर से मंडी। तो मुझे क्वेटा, खैर बहुत छोटा सा सिटी है, आपको चीज़ें बहुत दूर दूर नहीं लगती, आप घंटे में पूरा शहर देख लेते हो। तो वहाँ की मंडी मुझे इसलिए बड़ी याद आती है, और मंडी से लेना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेरेटिवली कहीं और से। खैर यहाँ से हमने जो है ना, मैंने सब्ज़ी शब्जी खरीदी। सब्ज़ी में मैंने क्या क्या ख़रीदा मैं बताती हूँ। मैंने आलू ख़रीदे और नींबू ख़रीदे बस, और मैंने फ्रूट्स ख़रीदे, तरबूज ख़रीदा और मीन्स क्या क्या ख़रीदा, जामुन लिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच, मुझे जामुन के बारे में बहुत आ रहे थे कि प्लीज़ जामुन ले ले, तो मैंने जामुन भी ले लिए, मैंने फालसे भी ले लिए, और मैंने जो है ना तरबूज ले लिए। हाँ जी, ये तीन चार चीज़ें बस, कुछ जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने ली। और उसके बाद हम निकल पड़े, मेरे हस्बैंड की जी ग्लासेस जो थी वो, उनका कोई प्रॉब्लम आई हुई थी, जो आई साइट की ग्लासेस उनकी, वो ठीक कराने। तो हम वहाँ से पीछे से, ये वेस्टरिज का इलाका है, आप अगर यहाँ पर पिंडी के रहने वाले हैं आपको पता होगा कि वेस्टरिज का इलाका है। बस वेस्टरिज से होते हुए, हाँ जी, मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखाऊंगी एंड तक, आप लोगों ने देखना है, मैंने आप लोगों को एंड में शॉपिंग दिखानी है जो मैंने इस्लामाबाद से की है। खैर एनीवेज, उसके बाद जो है ना हम सदर चले गए। सदर में जो है ना, वहाँ से हमने, मेरे हस्बैंड गए और उन्होंने अपनी जिस ग्लासेस वाले से ग्लासेस बनवाई थी, फारूक सन्स, ये जो मेन मेन जो एरिया है ना यहाँ पर सदर में, जहाँ पर सारे केमिस्ट हैं, आपने देखी होगी, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने अपने लिए जो है ना अपनी ग्लासेस ठीक करवा ली। हाँ जी, तो बस मैं अभी अभी आई हूँ। मुझे था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। एक तो मेरा बैग है, मैं जरा साइड पे कर दूँ। हाँ जी, तो मैं मिनीसो गई थी। आप लोगों ने देखा होगा आज कि पहले हम गए थे मेरे हस्बैंड का कुछ सामान लेने के लिए, आई मीन सर्टिफिकेट लेने के लिए। आई होप आप लोगों को सही वीडियो नजर आ रही होगी। हाँ जी, तो पहले हम गए थे अपने, मेरे लाइक मेरे हस्बैंड ने लेना था उनका सर्टिफिकेट, पहले वो लेने गए थे। और उसे लेने के बाद मैं मिनीसो गई थी। और मुझे था मैं अभी ही आप लोगों के साथ हॉल शेयर कर लूँ कि मैंने क्या लिया था, डिटेल में बता दूँ कि मैंने क्या लिया था। हाँ जी, ये बैग भी हैज़ यू ऑल नो मिनीसो पे फ्री नहीं मिलते। हाँ जी, सबसे पहली चीज़ जो थी वो ये थी, वो ये हेडफोन्स है। हेडफोन्स लिए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो हेडफोन्स है ना, वो बहुत तोड़ने में माहिर हैं। हमेशा जो है वो उनके हैंड्स फ्री या हैंड्स, ये हेडफोन्स जो है ना, वो आप लो तो वो कुछ दिनों के बाद वो टूट जाते हैं, क्योंकि या तो खराब हो जाते हैं, वो कान में लगा के अपने ड्रामे शराब में फोन पे ही देखते हैं, तो उनके जो है ना वो हेडफोन्स खराब हो जाते हैं। तो ये वाले हेडफोन्स एक मैंने लिए, जो कि मैंने अपने लिए भी लिया था, तो उसी तरह के हेडफोन्स मैंने उनके लिए लिए हैं। एक तो मैंने ले ली है ये वाली चीज, क्योंकि ये बहुत जरूरी थी, और कल से बोल रहे थे कि मेरा मेरे हेडफोन्स काम नहीं करे, दूसरा हेडफोन्स काम नहीं करे। हाँ जी, उसके बाद मैंने लिया है मिनीसो से ये वायरलेस जो है ना माउस, क्योंकि वो भी मेरे हस्बैंड को चाहिए था। वो आजकल कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे अपना काम कर रहे होते हैं, तो उनका जो है वो आई थिंक जो माउस है इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो ये एक अदद माउस मैंने लिया है। आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस, इसकी मैं प्राइस बताती हूँ, इसकी प्राइस क्या है। फोर्टीन हंड्रेड वायरलेस माउस की प्राइस है 1400। और मिनीसो के वायरलेस माउस जो है ना, मैं तकरीबन कुछ 4-3 साल से यूज करी। 2018 में फर्स्ट टाइम हमने इसके लिए थे, उसके बाद से कभी भी हमने कहीं से और से जगह से नहीं खरीदे। वरना आपको लोकल शॉप में जो है ना बहुत सस्ते मिल जाते हैं, बट कंपैरेटिवली ये चलते बहुत ज्यादा है, इसलिए जो है वो मैं हमेशा वायरलेस जो अब माउसेस सारे मोस्टली वायरलेस ही होते हैं, तो वो हम मिनीसो से ही खरीदते। एक मैंने ये खरीदा, और कलर्स में थे नहीं, वरना मेरा जो है ना बड़ा प्यारा ग्रीन कलर का है, सिर्फ ब्लैक कलर के ही थे, तो इसलिए फिर मैंने यही उठा लिया, क्योंकि उस सफा गोल्ड में जो मिनीसो था उसमें सिर्फ ये ब्लैक कलर का पड़ा था। तो एक तरह मैंने ये खरीदा है। हाँ जी, फिर मैंने कुछ अपने लिए चीज खरीदी है। ये मैं बहुत अरसे से जाती थी, मैं सोचती थी लूंगी लेकिन फिर मैं नहीं लेती थी। और ये क्या है जी, ये ब्यूटी टूल्स है, प्रोफेशनल यूज के लिए है, लेकिन मुझे तो प्रोफेशनल यूज के लिए नहीं चाहिए, मुझे तो अपने लिए यूज के लिए चाहिए था। असल में मैं मास्क वगैरह लगाना होता है ना, तो उसके लिए फिर आपके पास, वैसे तो मेरे पास पहले थी लेकिन फिर मैंने ऐसे कभी इतना वो नहीं किया, लेकिन ये बहुत मजे का है। अच्छा, ये सिलिकॉन का प्याला है। ओह अच्छा, तो ये सिलिकॉन का एक अदद प्याला है। और हाँ जी, इसके अंदर मेजरमेंट्स भी हैं, आई होप आप लोगों को नजर आ रही होंगी। ये देखिए, ये मेजरमेंट्स भी हैं, होप आप लोगों को नजर आ रही होगी। रोशनी इतनी है इधर कमरे में, मेरे घर में रोशनी का मसला है, और एक किसी ने मुझे मैसेज करके कहा आपके घर में कितनी परफेक्ट रोशनी होती है। सॉरी, मेरे घर में बिल्कुल परफेक्ट रोशनी नहीं होती, बल्कि सोचे मेरे घर में रोशनी इतनी ज्यादा नहीं होती, लाइट्स ना हो तो मेरे घर में घोपन दे रहा होता है। हाँ जी, तो इसके यहाँ पर जो है ना मेजरमेंट्स भी, ऑज में भी है
ऑस में भी है और सॉरी ऑस में भी है और एमएल में भी है। तो ये प्याला है और ये जो है सिलिकॉन का प्याला है, साथ में इसके जैसे स्कूपर है जिसे आप निकाल के इसमें डाल सकते हैं जैसे मास्क वगैरह होते हैं। और ये देखिए ये एक 15 ml का चम्मच है, एक 5 ml का, यानी कि ये टेबल स्पून है, दिखा दूँ जरा, ये टेबल स्पून है, ये टी स्पून है, और ये जो है ये है हाफ टी स्पून, 2.5 ml, और ये 5 ml, और ये जो है ना 15 ml। तो ये जो है ये मैंने लिया है और इसकी प्राइस थी जी, जी ये DIY सिलिकॉन मास्क बॉल सेट है, ये 350 रुपीज का है एक अदद। मैंने ये लिया, एक्चुअली इनकी पैकिंग बड़ी मजेदार होती है तो मुझे तो खैर मिनीसो बहुत अच्छा लगता है। आपका भी फेवरेट होगा, जरूर कमेंट करके बताएं कि सबसे अच्छी चीज कौन सी आपने मिनीसो से खरीदी। खैर अब मैं इसको बाद में ठीक करूंगी, अभी अभी रहने दे, बाद में ठीक करूंगी। हाँ जी, आप लोगों को याद होगा मैं खाड़ी से अपना वॉलेट लेकर आई थी। जरा मैं थोड़ा सा रिव्यू भी दे देती हूँ, मैं जरा अपने बैग से वॉलेट निकाल के दिखाती हूँ। जी मैंने खाड़ी से एक अदद वॉलेट खरीदा था और वो 50% ऑफ पे था, और 50% ऑफ पे भी सॉरी टू से इट कॉस्ट मी लाइक 650 और 700 रुपीज, तो इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस उसकी 1400 1500 रुपीज होगी। ये है वो जी, और ये देख लें इसकी हालत, ये हालत चेक कर लें। ये खाड़ी का जो है ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये खाड़ी का वॉलेट है और इसका इतना बेड़ा गर्क है ताकि मैं बहुत केयर से चीज इस्तेमाल करती हूँ। और इसे लिए हुए मुझे ना, आप लोगों को याद होगा मैंने रमजान में लिया था, आई थिंक मैंने रमजान में लिया था, ईद नहीं थी, हाँ रमजान में लिया था। इसका मतलब कोई 1.5 महीना हुआ होगा, इस 1.5 महीने के अंदर इसकी हालत चेक कर लें कि मुझे एम्बेरसमेंट हो रही होती है इसको निकालते हुए। मैंने तो ले लिया था कि खादी का है, प्रिंट भी बड़ा प्यारा है, लेकिन सीरियसली अगर आप लेना खादी का तो फिर प्लीज थोड़ा सोच समझ के ले लें, क्योंकि मेरा बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। ये देख लें नीचे से गत्ते नजर आ रहे हैं, यानी ये क्वालिटी इज वेरी लो, वेरी 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 लो। तो खैर ये अब अंदर भी आप देख लें कि इसके अंदर खैर मेरी कार्ड्स की भरमार है और चीजों की भरमार है, लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट। तो मैंने फिर क्या किया, जब मैं मिनीसो गई हूं, मैंने आपको रिव्यू दे दिया है, आपकी मर्जी है, अगर आप लोगों ने खाड़ी का वॉलेट लेना है तो सोच समझ के ले लें, क्योंकि इसकी क्वालिटी इज नॉट गुड। आप ये देख सकते हैं ये किस तरह का, बस ले तो लिया था बट मैं इससे खुश नहीं थी, मुझे था मैं एज सुन एज पॉसिबल चेंज कर दूं। हत्ता कि जो पुराना मेरा वॉलेट था वो भी मैंने मिनीसो से लिया था, और वो मैंने 2018 में लिया था, और वो समझे मैंने 3 साल बाद चेंज किया, या 19 में मैंने लिया होगा, बस 2-3 साल तो वो मेरे मुसलसल चला है। और आप इमेजिन करें ये वाला वॉलेट 1.5 महीने के बाद मैंने इसको जो है ना, वो कहते हैं ना कि टाटा बाय बाय बोलने का दिल चाह रहा था, फर्स्ट मंथ में ही, फर्स्ट वीक में ही, बिकॉज आई वाज लाइक मैंने क्या खरीद लिया, इट्स नॉट गुड एट ऑल। हाँ जी, तो अब इसकी जगह जो मैंने वॉलेट खरीदा है, हाँ जी दिस इज द वॉलेट, एज यू ऑल नो दिस इज माई फेवरेट ग्रे कलर। मैंने आज कपड़े भी ग्रे पहने थे, मेरे जूते भी ग्रे पहने थे, मेरा बैग भी ग्रे था और मेरा मास्क भी ग्रे था। तो मैंने जो ये जैसे ही मैंने ये देखा है ना, उफ इसकी क्वालिटी, इट्स सो सॉफ्ट, सीरियसली मुझे ग्रे कलर की चीज ना बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ये आप इसकी क्वालिटी देख लें, इतना हसीन किस्म का ग्रे कलर का ये वॉलेट है, और ये अंदर से इस तरह का है, देखिए बटन वगैरह नहीं है, मुझे बटन वगैरह चाहिए भी नहीं थे इस तरह। मेरे पास एक और पहले वॉलेट था एक ब्रांड का, मुझे याद नहीं उस ब्रांड का नाम, बहुत अच्छा था वो भी, ग्रे वो भी इस तरह का ही था, और वो मेरा बहुत अरसे चला था, फिर मेरा दिल भर गया तो मैंने किसी को दे दिया, वो फिर मैंने यूज नहीं किया, और लेकिन वो फटा नहीं। ये इसकी हालत देख लें जरा, सॉरी कभी मत खरीदना आप लोग खाटी, तो बिल्कुल मुझे वॉलेट अच्छे नहीं लगे। हाँ जी, ये इसके कार्ड्स की जगह है, इसमें तकरीबन कोई अच्छे खासे 6-7-8-10 कार्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना कैश रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपना कैश रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपने कार्ड्स रख सकते हैं। तो मुझे ये वॉलेट अच्छा लगा। हाँ बटन नहीं है इसमें, तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप वैसे भी इस तरह फोल्ड कर लेते हो अपने वॉलेट को। और इसका कलर कॉम्बिनेशन, ये डार्क ग्रे कलर की पट्टी है थोड़ी सी, और ये लाइट ग्रे, सो इट्स वेरी कहते हैं ना मैचिंग विथ माई दिस ड्रेस टूडे, और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप सोच लें कि ये मेरा बैग है, मेरा पर्स है, और इसके साथ ये कितना प्यारा लगेगा। हाँ जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हाँ जी, ये मैं शॉपिंग जरा सामने रखूँ ताकि आप लोगों को नजर आए, और ये इसको मैं साइड पे कर लूँ। और ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।